वहाँ रैली करेंगे और रैली हम लोग महासभ सातों दल की पार्टी जो है मिलकर के हम लोग सब लोग कर रहे हैं और हम लोगों का साफ मकसद है कि अभी बजट आया, बिहार को इग्नोर किया गया, बिहार के लिए कुछ भी नहीं मिला, कहीं कुछ जिक्र ही नहीं किया गया। विशेष पैकेज तो दूर की बात है, विशेष राज तेजस्वी जी, आज लालू प्रसाद यादव से आप मिले सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट, पहले तो कैसी स्वास्थ्य है? नहीं, काफ़ी बढ़िया है, स्वास्थ्य में बहुत बेहतरी है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और जैसा डॉक्टर का एडवाइस है उस चीज़ को फॉलो कर किया जा रहा है तो सक्सेसफुल रहा है। और कोई अभी क्रिएटिनिन जो था वो बहुत ही कम हो गया, मतलब ना के बराबर ही है समझिए। सिंगापुर से आने के बाद दिल्ली में रुके हैं, पटना, इनको अभी थोड़ा प्रिकॉशन जो है वो रखना है ताकि सपोज सर्जरी जो है इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो रहते हैं तो थोड़ा वो उस हिसाब से प्रिकॉशन में। 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली हो रही है, क्या सीमांचल से ही 2024 की विसात लिखी जाएगी? ये आम सभा है और पहले से तय कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की थी अमित शाह जब आए थे कि पूर्णिया आए हैं तो हम लोग भी महागठबंधन के लोग वहाँ रैली करेंगे और रैली हम लोग महासभ सातों दल की पार्टी जो है मिलकर के हम लोग सब लोग कर रहे हैं और हम लोगों का साफ मकसद है कि अभी बजट आया, बिहार को इग्नोर किया गया, बिहार के लिए कुछ भी नहीं मिला, कहीं कुछ जिक्र ही नहीं किया गया। विशेष पैकेज तो दूर की बात है, विशेष राज का दर्जा भी दूर की बात है, जो उनका प्रायर कमिटमेंट जो था उसमें कोई काम जो है इन लोगों ने नहीं किया। साथ ही साथ पूरे देश में जो माहौल है और ख़ास तौर पे लोगों का पहले से ही तय था कि भाई सीमांचल को ये लोग टारगेट करेंगे क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो सारी चीज़ों पे हम लोगों की नज़र है, उसको देखते हुए ये कार्यक्रम बनाया गया। एक छोटा सा आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार हाँ। कांग्रेस भी दावा कर रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव से इस पर बात करिए कि कितना कांग्रेस नहीं, आप लोग हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, तरह तरह का न्यूज़ लोग चलाते रहते हैं इस मामले को लेकर के। हम लोग गठबंधन में हैं, है ना, और गठबंधन में कुछ हमारे लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, जो सरकार में शामिल है जदयू के लोग हैं, तो जदयू जो है वो अपने लोगों का तय करेगा कि कितने उनके मंत्री होंगे और कौन होंगे। जहाँ तक राज्य की बात है तो राष्ट्रीय जनता दल की बात है तो हम लोग तय करेंगे, कांग्रेस की बात है तो वो लोग तय करेंगे। वो मांग कर रहे हैं, अरे भाई आप एक बात समझिए, मांग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारी बात होगी ना भाई उन लोगों से? मांग टीवी पे होता है, टीवी में या बाहर आकर के ये सारी चीज़ें तो बातें नहीं होती हैं, तो इसलिए हम लोग सब लोग हैं और जाहिर सी बात है जब सब नाम वाम तय हो जाएगा, कांग्रेस का जो नाम तय हो जाएगा तो लोग अपना बताएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग जो है